वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने भराड़ी में पेयजल योजना का भूमि पूजन और 16 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का लोकार्पण किया। डॉक्टर शाह ने दिव्यांगजनों को सामाजिक न्याय विभाग की ओर से कृत्रिम अंग व उपकरण भी प्रदान किए और स्वर्गीय देवी शाह स्मृति न्यास की ओर से गर्म कपड़े भी वितरित किए। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन से हुआ। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने उन्होंने ग्राम भराड़ी से बैलगाड़ी तक 80 लाख रुपए लागत की सड़क हाल ही में स्वीकृत करवाई है। इसे यहां के ग्रामीणों को काफी सुविधा होगी। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक देश के सभी ग्रामों में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस अवसर पर हरसूद SDM डॉक्टर परीक्षित झाड़े और हरसूद विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। कोरोना काल में भी 24-25 करोड़ रुपया केवल हरसूद ब्लॉक में बंटेगा। हरसूद ब्लॉक एक बार शिवराज जी के लिए जोरदार ताली दे। मित्रों, ये हमारी माँ बहने बैठी, इनको पानी भरने में हैंडपंप चलाना नहीं पड़े, हर घर में नल हो, इसकी चिंता लगातार शिवराज जी कर रहे हैं। जहां पानी के पीने के पानी की चिंता कर रहे हैं, खेतों की फसलों का मुआवजा, अतिवृष्टि, बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे यहाँ पे, हमारा गुड्डा भी ऐसे ही बोल रहे थे 10 दिन में बदल देंगे CM। क्या हुआ? वो खुद ही बदल गए, अध्यक्ष बन के आए थे, अब खुद जो हर मौसम में आपका साथ दे, चाहे सरकार रहे या सरकार नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमारे लोग कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी कोई भी योजना 9 महीने के पहले पूरी नहीं होती तो भले 6 महीने बोल रहे हैं, और 6 महीने वाली योजना पूर्ति मतलब चलती नहीं जाता। क्यों भाई बताओ, 6 महीने वाली योजना पूरी चलती है क्या भाई? 3 महीने हमारे तरफ से ले जाओ, लेकिन 9 महीने पूरे, 9 महीने में पानी पिलाओ, 3 महीने अपने हमारी तरफ से और दे दी। फिर कोई बहाने मत करना कि ठेकेदार भग गया, फिर सीमेंट महंगी हो गई। आप बोल रहे हो 6 महीने, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप पूरे 9 महीने लो ये सारी योजनाएं। ईसा, आप भी जवान आदमी हैं यार, जरा चिंता करके हमारी विधानसभा का ध्यान रखो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।